आपको पता भी नहीं आपके सामने कैसे कैसे दिग्गज लोग आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैंने ये शो को उस समय फॉलो करा है व्हेन आई वाज इन लाइक क्लास। जितने लोगों को आपने अभी तक से ऑडिशन में देखा है और रोडीज में देखा है, आपको लगता है उन सबसे बेस्ट है? हैं नहीं, बस खत्म है वहीं पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? जी कह रही ये क्या हो गया, मेरे को तो किसी ने चिल्लाया नहीं मेरे पे। क्यों चिल्लाएंगे यार? और आई जस्ट वांट टू से नेहा, यू आर अ वेरी स्वीट गर्ल, गेट अप, गिव मी अ हग। ऑल द बेस्ट इन लाइफ नेहा, ऑल द बेस्ट। या ऑल द बेस्ट। इसको लग रहा है, इसको डर लग रहा है कि इसके ऊपर चिल्लाने वाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या हो गया नेहा? क्या हुआ? अरे नेहा, नेहा क्या हुआ? ये डू राजी, मैंने कुछ गलत किया होगा। चुप रहो, तुम बैठो। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? No, I just got scared. वो आप लोग महबूब पे इतना चिल्लाए थे, बोल के किस पे चिल्लाए? महबूब मेरे तो पहले जो चिल्लाए थे आप लोग इतना। हम लोग महबूब पे जो चिल्लाए थे तो ये डर गई। मैं इसको बता, पता है महबूब पे हम क्यों चिल्ला रहे थे? आपको पता क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा कि वो खुद लव मैरिज करेगा, अपने मोहम्मद को कन्विंस करेगा, लेकिन उसकी बहन की नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने ठीक करा, पर एक्चुअली आई वाज सिटिंग आउटसाइड, तो इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तुम ये बताओ, तुम इतना कहते हो कि तुम बेस्ट हो, तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और हम मान गए। एक्चुअली आप लोग बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। तुमने देखा भी नहीं कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आप इतनी डर गई कि रो रही है। आई नो दैट आई डोंट हेल फ्रॉम अ वेरी बिग सिटी। हमारा शहर बहुत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बहुत अच्छा, बहुत सही है। क्या बात कर रहे हो? सुन सुन, आप बुरी नहीं हो, आप छोटी नहीं हो। आप अपने शहर को भूल जाओ। फुल कॉन्फिडेंस इन माय सेल्फ, आई नो कि आई कैन डू एनीथिंग। बट I have a surprise for you. एक गाना लगाइए रघु, प्लीज स्टे विद व्हेन शी डांसेस। Sure. आसनसोल या इंडिया, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने यहाँ पे ऑडिशन में रघु के साथ डांस किया। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। कैन आई गेट अ हग फ्रॉम यू आल्सो? ऑफ कोर्स, यू आर वेरी स्वीट, आई लव यू। ओह आई लव यू, ओह सो स्वीट। सी बेस्ट इन दिस आल्सो, ये ऑडिशन में पहली बार पर मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा ऑडिशंस में आकर। नेहा बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, रात के बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यू आर वेरी स्वीट गर्ल। मेरे से पहले जो कंटेस्टेंट गए थे उनके ऊपर बहुत चिल्लाया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा डर गई थी, बट देन दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी स्वीट एंड फ्रेंडली विद मी। और यू नो इस साल आपका शायद चांस मुश्किल है, पर मुझे पक्का यकीन है कि आप इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, आप में स्पिरिट है, जरूर आप एक दिन रोडी बन के दिखाएंगे। All the best to you. Let's go, Nia. Oh, हाँ, और एक चीज बताना है। हाँ। फंस गया। मेरे को तो फंसाया गया तुम दोनों ने। आप हो एक टार्गेटर के यूज़र, एक नंबर के बेवकूफ। God has not been kind to you. Not at all, man. Who needs kindness, boss? It's just another word. You I too. Have told you this. You too, boss. Now. Thank you. Boss, टोली के सरदार इधर आओ। ओए बुल्ला अगला सब इधर आ। अनामिका और रणदीप से मिलेंगे एपिसोड के एंड में, मगर उससे पहले देखते हैं कोलकाता से और कौन कंटेस्टेंट सामना करेंगे हमारे जजेस का। हाय। हाय। क्या नाम है आपका? नीलम धनकानी। डर रही हैं? बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन। Thank you.
गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड. डर रही है? डर नहीं रहा, बस पेट में गिगलिंग हो रही है, दैट्स इट. क्या हो रही है? गिगलिंग हो रही है, नथिंग एल्स. गिगलिंग? टेक 2 मिनट्स, गिगल. आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? मेरा नाम नीलम धनकानी है, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं. मेरे को एडवेंचर बहुत पसंद है. मेरे को वो लोग पसंद नहीं है जो गर्ल्स को डोमिनेट करते हैं, जो नीचा दिखाते हैं, काइंड ऑफ वो लोग पसंद नहीं है. मेरे को खेलना बहुत पसंद है, आउटडोर गेम्स. कैसे कैसे गेम्स? आउटडोर गेम्स आई लाइक रोइंग, बास्केटबॉल, स्विमिंग. आप ये लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कों के साथ? बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ, सबके साथ. फुटबॉल खेलते हैं आपने? जी, हम फुटबॉल सिर्फ दो ही बार खेले हैं. फुटबॉल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, सबसे ज्यादा खेला जाता जो स्पोर्ट है दुनिया में, जाता दुनिया में, वो फुटबॉल है. बैडमिंटन अगर हो तो हमें बहुत सारे बैडमिंटन प्लेयर्स पता है, टेनिस हो तो हमें बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स पता है, बट हम जब बोल रहे हैं कि सॉकर इज अ मैंस गेम, इट्स अ मैंस गेम. अब आप बताइए, गलत क्या बोला? बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो अच्छा खेलती हैं. माना कि देयर इज आल्सो मार्टिना नवरातिलोवा एंड देयर इज अ स्टेफी ग्राफ एंड देयर इज अ मोनिका सेलेस एंड ऑल दैट. उनके तीन सेट होते हैं लॉन टेनिस में, आदमियों के पांच सेट होते हैं. एंड्योरेंस ज्यादा हो गया. आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, लड़कों का ऑलवेज टफर होगा. मेन विल डोमिनेट वुमेन इन स्पोर्ट्स, दे फिजिकली स्ट्रॉन्गर. नो, स्पोर्ट्स छोड़ो, लाइफ में कोई ऐसी चीज जो एक औरत ने पहले किया हो एक आदमी से, एक ऐसी कोई चीज? मेरे को इतना थोड़ी ना पता, मेरे को अपनी सराउंडिंग्स के. मैं समझाता हूँ, एवरेस्ट में पहला आदमी, स्पेस में पहला आदमी, पॉलिटिक्स में आदमी. उसकी वजह क्या है? हमको क्या पता. Have you ever had a boyfriend? Do you think it's strange? No. You think you're attractive? Okay, yes, I am. Yeah. Now you've never had a boyfriend. School or college में, co-ed school में गए? हाँ. आपको कभी किसी ने approach किया? Co-ed college में गए? आपको? नहीं. किसी ने propose भी नहीं किया? आपके कोई दोस्त है जिसका कोई boyfriend हो या कभी किसको proposal मिला हो? हाँ, बहुत हैं. तो आपके आसपास के लोगों को हमेशा proposal और गुलाब मिलते रहते हैं, आपको एक बार भी नहीं मिला? नहीं. Have you not felt bad about it? जब मेरे सामने सबकी तारीफ हो रही है एंड मेरी नहीं हो रही है और मेरे को पता है कि मेरी होनी चाहिए, तब बुरा लगता है. तो लगता है बुरा ना? तब बुरा लगता है. आपको अटेंशन पसंद है. आप ये नहीं होगा कि अगर आपको कोई कहे आके कहे कि यू नो यू आर लुकिंग वेरी नाइस इन दिस ड्रेस, आप गुस्सा हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा? नो, यू विल बी फ्लैटर्ड. आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या अगर आपके पेरेंट्स ने आपके बॉयफ्रेंड को अप्रूव नहीं किया तो आप क्या करोगे? आपने कहा मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, मगर अगर वो फिर भी ना माने तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी. हाँ, ऑब्वियसली. यू नेवर मैरी दैट बॉय और यू नेवर. ओके, सॉरी, आई विल नॉट मैरी दैट बॉय. आप ये कह रही हैं अभी? लेट मी पैराफ्रेज यू एग्जैक्टली, आई विल कोट यू, एंड स्टिल दे डोंट अप्रूव विल नेवर मैरी फुल स्टॉप. इज दैट व्हाट यू रिटन? यस. You will actually, there's a saying in English, you cut your nose to spite your face. Tum apni zindagi barbaad kar doge in this scenario, a little dramatic I'm telling you, you'll ready to suffer so that your parents feel hurt. Unhe bura lage ki tum unhe mana kyun kiya. And these are the people who you love most in your life. I'll tell you, it says something else also. Yes, you're right, but doesn't point towards a vindictive nature. It points towards a childish nature. You're a brat. Parents, you have a very safe life. आपने एक जगह लिखा हो, मैंने कभी कोई फियर फेस नहीं किया, आई डोंट इवन नो वेदर आई एम स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. बेसिकली योर ओपिनियंस आर स्ट्रॉन्ग, दे बेस्ड ऑन इग्नोरेंस. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपको रोडी क्यों बनना है? मुझे सेलेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेरे पास सारी क्वालिटीज़ हैं एक टास्क को जीतने के लिए, और अगर क्वालिटीज़ ना भी हों फिर भी मैं जीत सकती हूँ अपने कॉन्फिडेंस से. तो ये एक और राय आपने डाल दी है बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, not based on knowledge or experience, right? I like adventure. What does that mean? What does it mean? I can do that. Huh? You know, I like flying. I like flying like a bird. Have I flown like a bird? Can I? आप अपने आप को नहीं जानती. आप जिसे like समझती हैं वो कुछ नहीं, it's wishful thinking. टीवी में शो देखते हैं और आने का मौका मिलता है तो आप आ जाती हैं, जो आपको लगता है कि बोलना चाहिए, जो लिखना चाहिए आप लिखती हैं, कि आपको डर नहीं लगता, आपको एडवेंचर पसंद है, ये सारे आप लिख दिया आपने. जो ये गलत फहमी है ना कि मैं रोडी बन सकती हूँ, आप पहले इस शो को समझिए. थैंक यू नीलम. हेलो नीलम. हे, कैसा रहा? अच्छा था. बहुत ही ज़्यादा बच्ची है. स्वीट है बच्ची है, बट नॉट फॉर अस. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट. अब देखना है कि अंदर जाके क्या होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे मेरे साथ. सोचा है कि जो जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरा दिल कहेगा, मैं वो जरूर कहूंगी. प्लीज थैंक यू सो मच.
can't believe I am here with you. You can't believe it? Such a sweet smile. How can we rude, be rude with her? We can try. Nahin yaar. Let's try, yeah? Nahin. Let's give her the experience. Do ganje paagalon ki tarah jhaag nikal raha hoga muh se, ek Ranvijay wahan par paagalon ki tarah chilla raha hoga, yehi dekhna chahti. Jis tarah se aap log table mein jis tarah se haath laga ke matlab tor-for karte hain to mere se aapko acha lagta hai bura lagta hai jab hum table pe haath maarte hain to? टीवी में देखना अच्छा लगता है क्योंकि वो सब कुछ अच्छा लगता है ना टीवी में किसी को धो रहा है अभी मारेंगे तो बुरा लगेगा मेरे साथ नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो आप कुछ ज्यादा स्वीट लग रही है मेरे को अभी टेल मी द बैड साइड ऑफ सबाना मैं अच्छी में बहुत अच्छी हूँ पर बुरी में बहुत ज्यादा बुरी हूँ कैसे क्या है उसके बारे में अगर मुझे किसी चीज से गुस्सा दिलाए तो तुम गुस्सा होते हो तो तुम क्या करते हो मैं चाहूंगी कि उसको अच्छी तरह से मारूं Come here. जितनी जोर से आप बोल सकते हैं फेस है उस लड़के का जिसने आपकी जो फ्रेंड है उसके ऊपर चीटिंग कर रहे हैं वो उसका उसका थोपड़ा है इसको पहले बोलो क्या बोलना है और उसके बाद मारो इसको जो आपने लिखा है कमीने क्या बोलो इसको बोलो ना इनको ना इसको बोलो तेरा बाप तेरा खानदान तेरा पूरा साला एक ही बात बस 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 गॉट इट बस 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 डॉक्टर अभी मुझे गुस्सा आ रहा पता नहीं कुछ करने जैसा लग आप किसी और को और मारेंगे तो शायद आपका गुस्सा और बढ़ जाए हाँ सीर वीर पूरा शर्ट वर्ट फार गया एक मिनट वॉलंटियर वो उठाओ वो हथौड़ा हथौड़ा उठाओ और जो भी वहां पे चीजें हैं ना तोड़ दो उस पर अपना गुस्सा निकालो कैसा फील हो रहा है? आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ गुस्सा नहीं आ रहा गिव मी 5 सॉलिड पंचेस ऑन माय स्टमक गो फॉर इट इट माय इट्स ओके इफ इट हर्ट्स मी आई विल टेल यू ओके हिट हां देयर हो गया 5 Are you feeling now? Yes. Better, relax. Like better or worse? Better. Better. Sir, कुछ नहीं होता. दो मरे. बचपन में पिटाई हुई है? हाँ, मम्मी मारती है, पापा नहीं. पापा नहीं मारते. स्कूल में? स्कूल में स्कूल में मेरे पापा चेयर पर्सन है, मम्मी प्रिंसिपल है. ओ बाप रे. स्कूल में एवरीबॉडी मस्ट हेट यू आप कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है कोई भी आपको आसानी से हर्ट करके चल जाता है और आप उसे बोल नहीं सकते या उसको सबक नहीं सकते ऐसा होता है अभी इतनी देर चुप क्यों बैठे रहे एक्चुअली मैं एक स्कूल में पढ़ाई करती हूँ वो मेरा अपना स्कूल है सबाना अब बोलते रहना पॉज मत लेना आई वांट इट टू कम आउट मेरे मामा जो है एक बायोलॉजी टीचर हैं तो हमारा एक एग्जाम हो रहा था तब 3-4 लड़के थे शायद उनको लगा कि सबाना अगर हाईएस्ट मांग लेके आ रही है एक तो वो प्रिंसिपल की बेटी है तो शायद उसकी मामा उसको बताती होगी सब क्वेश्चंस तो उसने एक स्कूल में एक बड़ा हंगामा कर दिया था तो उसी की वजह से मैं सोच रही थी कि वन डे एक बार मैं उन लोगों को जरूर रिटर्न बैक मतलब कुछ ना कुछ करूंगी उन लोगों को मैं उन लोगों को आप काफी कुछ ना कुछ हाँ बहुत ज्यादा क्योंकि मेरे साइड में और कोई नहीं था तो आपका फ्रस्ट्रेशन क्या है ये बताइए मैं कुछ करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू बिकम लाइक हाँ एक इसी लड़की को मैंने कुछ कहा था एक दिन आज वो यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मुझे बताइए कि आपको ये इंसिडेंट याद क्यों आया अभी क्योंकि इस बात से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था जब तुम मार रही थी आप वही उनको याद कर रही थी बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं पकड़ के अच्छी तरह से मारूं और पिटाई करूं मैं नहीं समझू कि वो सिर है या पैर है सबाना आप मैं तो स्कूल में पढ़ाई कम बट मैं सोच नहीं सकता कि अगर मेरी मम्मी स्कूल में टीचर होती और मेरे पापा प्रिंसिपल होते या जो भी है जी
तो कैसा होता? मतलब मेरे को तो मेरे दोस्त बनने मुश्किल हो जाते. एक दूसरा सुनो मेरी बात, आई वुड हैव टू ऑलवेज बी ऑन माई बेस्ट बिहेवियर. मेरे पेरेंट्स की इज्जत की बात है. That's true. आपको आदत है दो चीज़ें की, एक प्रॉपर रहने की, प्रॉपर जी. दूसरा आपको जब गुस्सा आता है या जब आप इमोशनल हो जाती हैं, यू गो इन टू अ शेल. जब आप इमोशनल होते हैं आप रुक जाती है बात करना. आपको इतनी आदत हो गई है कि वो सेकंड नेचर बन चुका है अपनी असलियत, अपने ट्रू फीलिंग्स छुपाना. इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेस्ड. रोडीज जहाँ तक है, हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि ऐसा कोई रोडी बन जाए जो अपनी असलियत और अपने इमोशंस को छुपाने की आदत हो जिसको. थैंक यू सुबाना. थैंक यू सो मच. वेल, मैं रूम में एंटर की और लाइक तीन जजेस मेरे सामने थे. मुझे थोड़ा सा तो नर्वस हो रहा था. मैंने उनको सारी बातें बताया एंड आई एम लाइक फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड लाइक हाँ मैंने अब लाइक कर दी. मेरे ख्याल से सुबाना बहुत स्वीट है एंड आई रियली लाइक हर. वी ऑल रियली लाइक हर बट शी इज नॉट रोडी. क्या तैयारियाँ हैं आपकी यार? तैयारियाँ तो कोई कुछ नहीं है, जो भी करके आएंगे वो मारेंगे. कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी, बॉडी बनाई है आपने. अपने जितने रहना है, ज़्यादा उल्टा फुल्टा फालतू बकवास नहीं करना है. कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ऊपर है. हे अल्लाह का शुक्र है. ज़रूर इंशाल्लाह हम भी चाहेंगे आप सेलेक्ट हुए. बेस्ट ऑफ लक. हाय आमिर जी, वेलकम. कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. डर क्यों लग रहा है? थोड़ा डर लग रहा है. आप लोगों को सामने बैठना है तो डर तो लगेगा थोड़ा. क्यों ऐसा है? हमने कुछ कर दिया आपको? नहीं कुछ नहीं किया अभी तो कुछ नहीं किया. पर आज तक देखते हैं तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा लेते हैं ना. आप टीवी में हमें देख के डरते हैं? नहीं नहीं वैसे नहीं डरते हैं. तो फिर डर इसलिए लेके आप लोग लेंगे ज़्यादा इसलिए डर रहे हैं. वो तो एक्साइटमेंट का वजह हो गया, डर की वजह बताओ. टेक ए डीप ब्रेथ. आराम से. आमिर मलिक जी, अपने बारे में बताओ. हम रग्बी खेलते हैं और स्पोर्ट्स पे मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट और मैं थोड़ा अपने उम्र से छोटा लगता हूँ हमेशा. हम बच्चे जैसे दिखते हैं. अच्छा, मतलब मेरा 21 ईयर्स है लेकिन हम कभी कभी सबको बोलता है कि तुम अभी तो स्कूल में हो. कितना लोग सवाल पूछते हैं मुझसे. वो अच्छी चीज़ है ना? हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, हमको पसंद है ये चीज़. यही बताना चाहते हैं आप अपने बारे में? नहीं वो बताना चाहते हैं. बताइए. कि हम थोड़े नॉटी टाइप हैं, बदमाश है, कुछ गलत हरकत नहीं है मेरे में. आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक ना. हमको कोई मतलब कि कुछ गंदगी गंदगी लड़की वड़की के साथ भी कुछ गंदगी नहीं करने का शौक है. लाइक अच्छे से हेल्दी फ्लर्टिंग इज़ गुड. क्या है ये गंदी हरकतें जो आप नहीं करते लड़कियों के साथ? उसके साथ रहना, उसके साथ फिजिकल होना, उसको फिर छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है. फिर कैसा? घूमो फिरो फिर अपने अपने मतलब नॉर्मल रहो. ऐसे अब कुछ फिजिकल होना नहीं है. फिजिकल होना नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल है पर हम नहीं मानते. हमको लगता है कि शादी के बाद करना चाहिए. फ्लर्टिंग कैसे करते हैं? एक लड़की थी कॉलेज में, मैंने चॉकलेट भिजवाया उसे तो दरमान के जी दरमान के थ्रू. आप उसे जानते थे? उस लड़की को नहीं जानते थे. फिर हम लोगों ने भिजवा दिया, वो भी रख ली. उसके बाद रोज़ भिजवा दिया, वो भी रख ली. फिर जाके हाय हेलो कर लिया. मैं बताता आपने किया क्या. आपने एक दरबान को पहले एक चॉकलेट दिया. हाँ बोले जाओ दे. फिर कोला दिया. लड़की को नहीं दिया, तुमने दिया एक दरबान को. दरबान ने चॉकलेट खाई, दरबान ने पी और तुम्हारे पास भी वो लड़की ने. उस लड़की ने मेरे सामने ली, उस चॉकलेट ली, ली पी. उस लड़की से फ्रेंडशिप क्यों करना? अच्छी थी वो, मतलब दिखने में. या है ना, दिखने में अच्छी है तो फ्रेंडशिप करना. बेसिकली एक फिजिकल अट्रैक्शन था. तुम अट्रैक्शन था? आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ है. उस टाइम थी? हाँ थी. मैं इससे पहले कि कुछ बोलूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ इसकी वजह. हम लोग थर्ड ईयर्स थे, वो लोग फर्स्ट ईयर्स नए आए थे. तो रागिंग वैगिंग भी थोड़ा बहुत करते हैं, उसी में थोड़ा हंसी मजाक भी ये कर लिए थे और कुछ बात नहीं था. तेरे को हमें देख के लगता है हम बेवकूफ़ हैं? नहीं नहीं लगता. हाँ हम कॉलेज नहीं गए. गए आप लोग? गए जरूर. इतनी देर से हम इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तुमने रैगिंग के बारे में एक बात नहीं बोली. ना अपने गर्लफ्रेंड के बारे में. मैंने तुम्हें 10 बार पूछा, तुम्हें उस फिजिकली अट्रैक्शन हाँ था, शक्ल पसंद थी हाँ, बॉडी देखा हाँ. हमने बोला कि आपको मेरी शक्ल पसंद थी. हाँ तो पसंद थी. हाँ देखिए गर्लफ्रेंड है. गर्लफ्रेंड को बताया? एक और लड़की बता दिया था. क्या बोला उसने? ऐसे मतलब पूरा नहीं डिटेल में बताया. बताया कि हाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक है. आमिर जी बोलिए. जब तू आया था ना तो जो तू कह रहे तेरी शक्ल बच्चों वाली है वो उतनी बच्चों वाली नहीं है. तेरी शक्ल वैसे वाली है. वो जो होता है ना जिनमें अकल नहीं होती, 4-5 लौंडे लपाड़ों के साथ घूमता है
और लड़कियों को छेड़ता है। नहीं छेड़ता है। चुप, ये छेड़ना नहीं होता। ये नहीं छेड़ता। ये छेड़ना नहीं होता। क्या होता है यार, ये कोई लड़की एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है, इस लड़की को तू गिफ्ट भेज रहा है, इसका मतलब क्या है? लस्ट नहीं है, लव नहीं है, हंसी मजाक। गलती हो गया, माफ कर दीजिए मेरे से। अब मेरे को बता कि अब तेरे को करोड़ी क्यों बनना है? फेमस होना है मेरे को। दो साल से मतलब ऐसा कोई दुआ नहीं होगा जिसमें हम नहीं बोले कि मेरे को रोटी बनना है। हम हर दुआ मांगे मेरे को रोटी बनना है, क्योंकि मेरे को रोटी बनने का बहुत शौक है। जैसे एक राजीव कह रहे हैं ना, आपकी शक्ल ही नहीं है, आपकी अकल बच्चों वाली है, आप बिना सोचे समझे चीज़ें कर देते हैं और ये गलती आप यहाँ भी कर बैठे, इसलिए मैं आपको बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसा गया आपका पर्सनल इंटरव्यू? उतना अच्छा नहीं गया। क्या लगता है, जज इंप्रेस हुए? नहीं, पता नहीं, शायद नहीं। ये बच्चा है, ये ना अपने कॉलेज में सीनियर्स को देखता है जो एकदम कूल है और कहता है अच्छा मैं भी ऐसे ही हूँ, जब मैं थर्ड ईयर में, मैं भी ऐसे ही हूँगा, अच्छा मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं यानी कि कूल हो गया। चॉकलेट भेजो उसे, चॉकलेट। कल से पैदल है यार ये, इसको कहाँ, इसको कुछ आइडिया नहीं है यार। बहुत ज्यादा लेने लिए हैं, हर चीज में ले रहे थे। मतलब वो गलत ले रहे थे क्या, तुम गलत बोल रहे थे? हम गलत बोल रहे थे। थप्पड़ खाए तो दरबान खाए, और अगर ले लिया तो हाय हेलो कर ले, पहुंच गया जी। कुछ भी तैयारी नहीं है, जैसी हूँ वैसे अपने आप को दिखाऊंगी, और तैयार करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो सोच कर आऊंगी उसका उल्टा ही होने वाला है, तो जस्ट जैसी हूँ वैसे अपने आप को मतलब प्रेजेंट करूंगी। मिस अनामिका बनर्जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। पहले मैं ये बताना पसंद करूंगी कि मैं बहुत बकवास करती हूँ, मुझे बात करना बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ आप ये सुन सुन के पक चुके हैं, तो मैं क्या करूँ? If you are a fun person, अगर आप मस्ती वाली लड़की हैं और आप बहुत सारी बातें करेंगे, it's good for us. Go for it. Tell us only interesting things about you. मैं उससे पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं पिछले 6 साल से मैं रोटीज देखती आ रही हूँ। मैंने आई डोंट नो आप लोग कौन रघु हो और कौन राजीव सर, आई रियली डोंट नो। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा पागलपन करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूंगी। और हाँ, और एक चीज बताना है, मैं यहाँ आना चाहती जो ऑनलाइन जो होता हुआ था। मजा आया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरे अंदर बहुत भरा है, मुझे निकालने दीजिए प्लीज। नहीं अब ऐसा मत कीजिए, मुझे कहने दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, आप बोलिए। एक मिनट, आर यू श्योर? नो वे, मैं नर्वस हूँ, बार बार बोल रही हूँ, पर मैं बोलूंगी क्योंकि मुझे बोलना है, आज ही ये वक्त मिला आप लोगों से बोलने के लिए, आपको सुनना भी पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। क्यों नहीं चाहेंगे हम? मेरे को तो फंसाया गया तुम दोनों ने। अनामिका, आपसे ये पूछना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि आप यहाँ हमसे मिलने आई हैं, रूडीज में सेलेक्ट होने आई हैं? दोनों यहाँ से रूडीज में सेलेक्ट होना, ठीक है, थोड़ा सा नामुमकिन है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू अगेन, बाय बाय। बहुत मजा आया है। अनामिका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इससे ऐसा क्या बोलूं? थैंक यू। हाय रणदीप। टेल मी बॉस, अभी फिलहाल पसीने छूट रहे हैं मेरे, मैं अभी से इंटिमिडेटेड फील कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, दिस इज सम नर्वस एनर्जी रनिंग डाउन माय स्पाइंस राइट नाउ। तो काफी कुछ लर्न करके आए हो लग रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, दैट्स द ओनली थिंग। ओह, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर यू ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। नमस्कार जी। थैंक यू। रणदीप सिंह जी, क्या करते हैं आप? जी फिलहाल तो पढ़ाई कर रहा हूँ, जर्नलिज्म में पीजी कर रहा हूँ, और उसके पहले 4 साल तक आर्जिंग की थी मैंने। अब नहीं करते? अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्यों? कलकत्ते में ट्रांसफर लेना चाह रहा था लेकिन ट्रांसफर मिली नहीं, बंगाली स्टेशनैलिटी है यहाँ पे, और मैं हिंदी बोलने वाला आरजे हूँ, इसी वजह से फिलहाल आर्जिंग छोड़ी हुई है। कहाँ पे थे आप आरजे? जी जमशेदपुर में। अच्छे आरजे हैं? सर ये तो मेरे लिसनर्स डिसाइड करते हैं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। आरजे के लिए आपकी आवाज़ सरप्राइजिंगली वीक है। अपने लव लाइफ के बारे में बताओ यार, क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ओह सर, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा स्कॉट है बेसिकली, और स्कॉट एस्कॉट है मेरा। एस्कॉट? एस्कॉट, आई बेग योर पार्डन, एस्कॉट। सर वी हैव बीन टुगेदर फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स नाउ, 4 साल से हम लोग साथ में हैं, और वी आर प्लानिंग टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड। जब सही वक्त आएगा प्रॉब्ली गेट आवरसेल्फ यू नो टाइड विद द न्यूप्चुअल न्यूड्स। डज ही नो यू आर चीटिंग ऑन हिम? चीटिंग? नो, आई स्वेयर। आपके फॉर्म में आपने किसी लड़की का
मेंशन किया है? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही लिखा था वो। आपके बॉयफ्रेंड को पता आपके गर्लफ्रेंड के बारे में? मेरा बॉयफ्रेंड इस नाते में मुझे बहुत छूट दे रखा उसने कि यू नो अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो कोई टेंशन नहीं है टिल द टाइम यू आर गुड विद मी। व्हाट डू यू वांट टू एंड अप डूइंग इन लाइफ? आई शुड बी इन अ लीडिंग रेडियो स्टेशन बीइंग द लीड योर रेडियो जॉकी इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। यार आई हैव इंटरेक्टेड विद आरजेस फॉर द लास्ट 7 इयर्स। अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, वेरी नॉन इरिटेटिंग, वेरी नाइस टू हैंग आउट विद एंड स्पेशली एंड वाइब्रेंट एंड विटी। यू सीम मोर एरोगेंट and something you have a point to prove for no reason because we haven't even started, but I don't know who you are. ye rj ka jo cloud hai ye hat hi nahi raha aapke aage se sir maine rj ke bare mein to baat nahi kiya kya maine rj ke bare mein to sir aapne baatein shuru ki thi that's the reason we actually took it from there. Why do you want to do roadies? I want to do roadies because you know I love the feel of it, you know. Bike chalane ko milta hai sabse pehli baat, to sabse badi baat ye hai aap mujhe pura desh bhraman karwaoge, ghumaoge theek hai, aur sabse badi baat ye hoti hai ki you know aap usme se kya karte ho, I mean what do you do in roadies? बाइक है आपके पास, भ्रमण जब करना आप कर लो, यहाँ क्यों बैठे? सर यहाँ से भ्रमण करना चाहिए ना, मुझे यहाँ से भ्रमण करना है ना, फ्री में हो जाएगा इसी। हाँ नॉट ओनली फ्री भाई, मुझे मजा आएगा ऐसे लोगों के साथ, मेरे साथ ऐसे अनजान लोग तो मेरे साथ जाएंगे नहीं 15-20 कि भाई चलो रणदीप बोले उसके साथ अनजानी लोग चले गए 15-20 उनके साथ घूम के आते हैं। वुड यू लाई अबाउट योर क्वालिफिकेशन इन योर सीवी? लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन यस, लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन नो। इसने लिखा नो, क्वालिफिकेशन इज जस्ट अ वर्ड ऑन सीवी। But I'm trying to understand what do you mean when you frame a sentence this way. No, I would not lie. Qualification is just a word on CV. ऐसे कितने सारे काम हैं जहाँ पे qualification की आवश्यकता नहीं पड़ती है. Probably being an RJ. RJ बनने के लिए qualification. Again he talks about RJ. RJing करने के लिए qualification की आवश्यकता नहीं होती. Right now you're not qualified enough to be an RJ in Kolkata because you're not qualified. You're not fluent in Bangla. So that is no anybody qualification. Who speaks in a degree is more qualified. Exactly. When did you oppose this? Let me tell you about the etymology of the word. It comes from quality. Okay, a quality that you look for in a person to do a particular job. Qualification. It's a qualification. Right. It qualifies you for that position. I'm surprised you are not writing name. Oh, my name is just a word on my birth certificate. Date of birth, just a date on a calendar. Mobile number, it's just a number that collection. You can get in touch with me. Email is just a, come on man, everything is just a word. What are you trying to say here? Please don't insult my intelligence by telling you that this was not a pathetic attempt at being witty. And man, I did not try to be witty out there. Oh no, when no, did I say? Hold on. Biggest fear. Hey, one more thing. Hey, ek aur. Kabhi cheat karenge? Cheating is just a word. Agar dunya mein koi collection of words hai, those are just words and mean nothing. This is Exhibit A, Your Honor. Absolute rule. Love ke liye kuch bhi karega. And as far as war goes, this is a country of Gandhi. Non-violence. Make love, no war. You think I tried again? I tried hard. Off. You talk too much and you say nothing. It's just words. This is waste of you, man. There's no war. Only love. Gandhi. Non-violence. Have you, in your head, what is have this? You answered the question? Absolutely. How? Absolutely. Is it fair in love and war? You have turned around and told me that this is a country of Gandhi where we don't do war. You have not answered me whether in your head it is fair or not in war. आप हो retarded loser, एक number के बेवकूफ. आपको लगता है ऐसा? You know you have a face. You don't no, even no, have no. a face for radio, man. No, boss. You don't need a face for radio, boss. You don't need a face exactly. for radio. Exactly. That face is just a word, brother. Face is just a word. Exactly. They don't mean anything. आपके आंसर्स पढ़ के, आपका हुलिया देख के, आपके बात करने का तरीका समझ के, आपके फेसबुक में एक परमानेंट चीज़ रहती है, दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट, आई लाफ एट देम बिकॉज दे आर ऑल द सेम, आई एम हियर टू टेल यू आर जस्ट द सेम एज एनी अदर वांट टू बी एवर मेट। आई बेग टू डिफर अगेन बॉस, आई मीन दिस इज प्लीज कीप बेगिंग बॉस टू डिफर, आई विल टेल यू अनदर वर्ड, रणदीप इज जस्ट अनदर वर्ड, फाइन बॉस, टू वर्ड्स बट टुगेदर प्लीज, नो आई टोल्ड यू दिस टू यू टू बॉस, थैंक यू टोली के सरदार इधर आओ, ओए बुला अगला उसे वापस, नहीं आ गया I knew it. This was on the cards. Yeah, you would know it, na? But you'd still go for your retired. Absolutely not. I came here with honor. Thank you so much, Your Honor. Thank you so much, Your Honor. Thank you so much for touching me, Your Honor. Take care, dude. Oh, अंदर में बहुत, you know, बहुत सारी बातें हुई. There was clashes of ideas, clashes of views, और मुझे Roger करने की बहुत कोशिश की गई थी. And ultimately, you know,
somewhere they succeeded and somewhere I probably thought that I succeeded. And ठीक है, होता रहता है. देखिए, मैं तो preconceived notion की उन्होंने सबकी वाट लगानी है और मैं भी गया था यही सोच के कि ना मुझे अपनी वाट नहीं लगानी है. एंड दैट्स हाउ इट ऑल टर्न आउट टू बी. चलो, एटलीस्ट आई डोंट मिस मीटिंग. यू नो, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस बार मेरी वाट लग गई है. And you know, when there are so many people standing in right in front of you to run you down, you try real hard, and which I did as well. Obviously, कोई जगह नहीं है रोड इसमें. मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठा हूँ. ये spineless quality है जो मतलब एक गुस्सा मारो तो ये मेरे को समझ. Judges क्या ढूंढ रहे हैं, मेरे को कोई idea नहीं है. इतने टाइम से वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, पता नहीं क्या होने वाला है. उम्मीद, मैं तो उम्मीद जो लेकर के आया था उससे कुछ ज्यादा ही हो गया. वी ऑल इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस राइट नाउ. आधे नींद के अभी आधे जग के हैं. ओके, रेडी? या, लेट्स गो. Welcome, boys and girls. Let's get down to some serious business. जिस जिसका मैं नाम लूंगा वो यहाँ पर आगे आएंगे. रणदीप सिंह, जजेस का आपके लिए एक मैसेज है. कभी अगर रोडीज का रेडियो शो भी बनेगा तो भी नजर मत आना. You're not a roadie. Thank you. Thank you. वैशाली नाथ, जजेस को आप काफी इंटरेस्टिंग लगी. थैंक यू. आपको क्या लगता है? आई थिंक आउटलुक में मैं बहुत लाउड हूँ. पीपल यूजुअल मतलब क्या बोलूँ, डे टू डे लाइफ में लोग हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट. माइट बी वो लोग भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर बैठे. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. आप एक रोडी नहीं है. प्राची अग्रवाल, जजेस को आप काफी प्राउड लगी, चाइल्डिश लगी, एकदम बिंबो लगी, बट आप उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगे. यू आर ए रोडी. बाकी सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग रिजेक्टेड नहीं है. बस सिर्फ इस बात का दुख है कि आप लोग रोडीज 8 शॉर्टकट टू हेल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. बट वी ऑल लव्ड योर स्पिरिट. आप लोगों ने बहुत अच्छा किया. थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अभी. कुछ समझ में नहीं आ रहा. I don't have any words to explain. I don't think so. मेरे में कोई कमी थी. It's just they misunderstood me. Hi, मैं प्राची अग्रवाल हूँ और मैं एक रोडी हूँ. बाकी रोडीज के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज है. Don't try to act smart with me because I am smarter.